आज हम आम का अचार बनाने जा रहे हैं जो कि तुरंत से खाया जा सकता है। जिसके लिए सरसों राई का पाउडर है, हरा मिर्च है, लाल मिर्च है, मंगरैल है, सौंफ है, मेथी है, जमाइन है, ये धनिया सारे मसाला का पाउडर है। यहाँ चार बड़े चम्मच हम तेल लिए हैं, उसको गरम कर रहे हैं हाई फ्लेम पे। तेल गरम हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और कहीं भी यात्रा में आने जाने पराठा पूड़ी पकौड़ी ब्रेड पकौड़ा हर चीज़ से ये स्वादिष्ट रहता है। ऐसे पीसेज में आम का अचार बनाने में उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है कि एक पीस कोई लेता है और वो खाता नहीं है, वो वेस्ट हो जाता है। इसमें जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे हम, और ये अचार बहुत टेस्टी बनता है और तुरंत, सबसे इसमें अच्छी बात है कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। हम मिर्चा उसके प्रोसेस के लिए मिर्चा काट रहे हैं। यहाँ हम 50 ग्राम मिर्चा लिए हैं, हर मिर्चा को दो दो भाग में काट रहे हैं। यहाँ हम ज़्यादा मिर्चा हरा नहीं लिए हैं कि लाल मिर्चा का पाउडर भी डालना है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम मिर्चा काट लेते हैं, तब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इस अचार को हम एक साल तक स्टोर कर सकते हैं और इसमें अगर तेल पर्याप्त होना चाहिए और बीच बीच में धूप दिखाते रहिएगा। अगर अचार में तेल कम हो तो तेल दोबारा आप गरम करके उसमें हींग लाल मिर्चा और थोड़ा हल्दी डाल के पका के हाई फ्लेम पे और ठंडा करके फिर अचार में डाल दीजिएगा तो अचार ख़राब नहीं होगा और बीच बीच में धूप दिखाते रहिएगा। तेल गरम हो गया है, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। 1.5 चम्मच मेथी का दाना डाल रहे हैं, 1.5 चम्मच मंगरेल डाल रहे हैं, 1.5 चम्मच जवाइन डाल रहे हैं, 2 चम्मच सौंफ डाल रहे हैं। उसके बाद से बढ़िया से मसाले को भूनेंगे, तो 1 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद से बाकी का मसाला डालेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि डिश में अचार कैसा बन रहा है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब लगभग मसाला भून गया है, अब हम आगे इसमें सब डालने जा रहे हैं। हरा मिर्चा डाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा भून लें, थोड़ा सा नरम हो जाए। हाँ, अब 50 ग्राम सरसों का पाउडर हम बना लिए थे उसको डाल रहे हैं। गरम मसाला का पाउडर घर में ही बना लिए थे, जिसमें धनिया जीरा काली मिर्च बड़ी इलायची छोटी इलायची और दालचीनी लौंग ये सारे मसाले हम डाले हैं, उसको गरम करके थोड़ा और हम उसका पाउडर बना लिए थे, वो 2 चम्मच हम डाल रहे हैं। अब थोड़ा उसको भूनेंगे। मसाले का खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है, मुंह में पानी आ गया है। आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा चला के उसमें आम डालेंगे। हम 1 किलो आम लिए थे जो कि पहले ही कद्दूकस छील के धो के छील के कद्दूकस कर लिए थे। और 1 किलो आम का कद्दूकस करने के बाद गुठली छिलका निकलने के बाद लगभग 1/2 kg बचा है। अब उसको हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद इस एकदम ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें नमक डालेंगे, मिर्चा डालेंगे और 5 मिनट और भूनेंगे। अगर तेल अचार में कम रहे, तेल नहीं रहने से अचार ख़राब होने लगता है, इसके लिए ये प्रोसेस है कि आप दोबारा हाई फ्लेम पर तेल गरम करके
इसमें हींग, लाल मिर्चा पाउडर और हल्दी डाल के और फिर ठंडा कर लीजिए और उसके बाद से अचार में डाल दीजिए। तो दो चम्मच मिर्चा डाल रहे हैं, लगभग 4 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से नमक अपने स्वादानुसार डालिएगा, मिर्चा भी अपने स्वादानुसार डालिए। अचार का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम 1.25 चम्मच काला नमक डाल रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद अचार तैयार हो जाएगा। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, 5 मिनट तक भूनेंगे। पाँच मिनट हो गया है, आम का अचार लगभग बन के तैयार है। कलर बहुत ही सुंदर आया है, खुशबू भी लाजवाब है, देख के मुंह में पानी आ जा रहा है। अचार को ज़्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए हम इसमें 2 चम्मच व्हाइट विनेगर डालने जा रहे हैं, जिससे स्वाद भी रहता है और लॉन्ग टर्म तक सेफ भी रहता है, ख़राब नहीं होता है। बरसात का समय है, ख़राब होने का डर रहता है। अब विनेगर मिलाने के बाद हम 1 मिनट तक बढ़िया से पकाएंगे, उसके बाद से हम गैस बंद कर देंगे। आम का अचार बन के तैयार हो गया है। ठंडा होने के बाद इसको शीशे के जार में स्टोर करके रखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।